हम बनाने जा रहे हैं 3 तवा वेजिटेबल जो झटपट बन जाएंगी और आपको पसंद भी आएंगी। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं तवा कैसे भिंडी। काटनी है एक बार आप देख लीजिए। पहले हम ये ऊपर का पार्ट इसका हटा देंगे और इसको तिरछा करके काटेंगे थोड़ा सा। इससे क्या अगर कोई कीड़ा वगैरह कुछ भिंडी में होता है वो भी दिख जाता है और दिखने में भी अच्छी लगती हैं। बच्चों को भी पसंद आती है क्योंकि बच्चे जब देखते हैं कोई सब्जी अट्रैक्टिव है अच्छी है तभी उनका खाने का मन करता है। तो इन चीज़ों का भी हमें वेजिटेबल बनाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। भिंडी को कट कर लिया है, अब हम तवे पे बनाएंगे। हमने तवा इंडक्शन पे रख दिया है, इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे और तवे को गर्म होने देंगे, फ्लेम को बढ़ा देंगे। इंडक्शन पे तवा रखने के बाद इसमें तेल डाल दिया है, तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता और गर्म होने देंगे तेल को, फिर हम भिंडी फ्राई करनी रखेंगे। हम कई बार सोचते हैं सुबह सुबह उठते हैं और बच्चे को स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है और हमें टेंशन रहती है कि हम क्या सब्जी बनाएं, क्या करके दें। तो ये मैं कुछ वेजिटेबल्स आपको बनाना सिखा रही हूँ जो फटाफट भी बन जाएगी और बच्चों को और बड़ों को अच्छी भी लगेगी। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। थोड़ा सा हम इस तरह से चलाएंगे भिंडी को। और हमें लिड से कवर करके रखना है इसको। भिंडी को चेक कर लेते हैं लेना डाल के। हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं करना वरना भिंडी जल सकती है। इस तरह की भिंडी बनाने से भिंडी में चिपचिपाहट भी नहीं आती और खिली खिली भिंडी बनती है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनको पिकल जैम वगैरह रोज तो नहीं दे सकते क्योंकि आजकल के स्कूल भी जो हैं वो ये नहीं चाहते कि बच्चे अनहेल्दी चीज़ें लेके आए। तो हम फटाफट से इस तरह की वेजिटेबल बना के उनको दे सकते हैं। अब हम वापस से लिड से थोड़ा कवर करके रखेंगे। अब इस स्टेज में हम इसमें नमक डाल देंगे। भिंडी में पहले नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और फिर उसमें चिपचिपाहट हो जाती है। तो इसलिए इस स्टेज पे जब हमारी भिंडी गलने वाली है तभी हम डालेंगे इसमें नमक। तो इससे हमारी भिंडी खिली खिली सी बनेंगी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको एक बार मिक्स कर देंगे। सबसे बड़ी बात तवे पे बनाने से जो आयरन होता है वो भी सब्जी के साथ इंक्लूड हो जाता है, वो भी हमारे पेट में जाता है तो वो भी हमारे लिए हेल्दी होता है। इसके लिए नॉन स्टिक नहीं ले पैन या तवा, मैंने आयरन का तवा लिया है। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसी वेजिटेबल बनानी ही पड़ती है क्योंकि हमारे घर से भी बच्चे स्कूल जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जल्दी से कुछ बनाना है तो हमें बनानी पड़ती है। अब इसको हम थोड़ी देर कवर कर देंगे। एक बार हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। हमारी भिंडी बन चुकी है, 5-10 मिनट में ही सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब इसलिए हम इंडक्शन ऑफ करके बाद में मसाला डालेंगे।
इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर, अब इन मसालों को मिक्स कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और एक मिनट के लिए हम इसको कवर करके लिड से रख देंगे और हमारी भिंडी रेडी हो गई है। नेक्स्ट सब्जी हम जो बना रहे हैं तवा आलू बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम आलू लिए हैं, इनको हम छीलेंगे और कट करने का वो भी मैं बता देती हूँ मेथड किस तरह का है। अब हम ये पिलर लेके इससे इसको छील लेंगे, पिल कर देंगे आलू को। इसमें आलू आप छोटे ही लें, ज़्यादा बड़े ना लें, क्योंकि हमें ये गोल शेप में काटने हैं, अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। हम इस तरह से पूरे आलू को छील लेंगे। आलू हमने छील के धो लिए हैं, अब इसको कट करेंगे। एक बार कट करने का तरीका भी आप देख लीजिए। आलू को हम इस तरह से काटेंगे गोल गोल, और ये ध्यान रखना है कि स्लाइस जो हमारी आलू की है बराबर हो, एक मोटा एक पतला नहीं हो, नहीं तो फिर क्या है वो एक गल जाएगा और एक कच्चा रह जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस तरह से सारे आलू को हम कट कर लेंगे। भिंडी में हमने बाद में डाला था, लेकिन इन आलू में हमें पहले डालना है नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसको मिक्स कर देंगे। हमारे आलू में नमक मिक्स हो चुका है, अब हम इसको बनाएंगे, उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमने ऑन करके तवे को गर्म कर लिया है, अब इस पे ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा फैला देंगे पूरे इसपे। ये भी आलू भी फटाफट से बन जाते हैं और बच्चों को सबको पसंद होते हैं, आलू तो उनके फेवरेट होते हैं। आप चेंज कर करके वेजिटेबल्स बना सकते हैं, आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स बना सकते हैं जो आपकी मन पसंद हो। अब तेल को हम गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इससे हम आलू डाल देंगे। थोड़ा ध्यान से डालिएगा, छींटे नहीं लगे। ऑयल के फ्लेम को कम कर देंगे। और इन आलू को भी हम फैला देंगे पूरे तवे पर। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, हम इसे कवर कर देंगे और 2-3 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। मिनट हो चुके हैं, एक बार हम आलू को चेक कर लेते हैं। ये भी बहुत फटाफट बन जाते हैं, 5-7 मिनट में ही बन जाते हैं। एक बार इनको अच्छी तरह से
चेक कर लेंगे और नीचे थोड़ा उलट पुलट कर देंगे इनको, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाएं, किसी भी साइड से कच्चे नहीं रहें। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मैं तो जब भी बनाती हूँ फटाफट ख़त्म हो जाते हैं, सबको पसंद आते हैं, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे ये। इसको कवर कर देंगे, एक बार चेक कर लेंगे। हमारे आलू बन चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे, गल चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इंडक्शन को हम ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद ही मसाले डालेंगे। हम इसमें मसाला डालेंगे, ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर, लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा खाते उतना ही डालें। हमें नमक नहीं डालना क्योंकि हम नमक ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने मसाला डाला है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आलू भी बहुत टेस्टी हैं, दिखने में लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाते हैं और खाने में भी सच पूछो तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। इसको हम कवर करके रख देंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से चला जाए, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आलू में आ जाए। इसी सब्जी आज मैं जो तवे पे सिखाने जा रही हूँ वो है बैंगन। बैंगन भी सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हमें छोटे ही बैंगन लेने हैं और उसको इस तरह से कट करने हैं। पहले ऊपर से हम ये कट कर देंगे, जो ऊपर का जो ये टॉप पार्ट होता है उसको कट कर देंगे हम लोग। इस तरह से हम सारे बैंगन के ऊपर के पार्ट को हटा देंगे। बैंगन को हम कट कर लेंगे और कट इस तरह से करेंगे, इसके 2-2 पार्ट्स कर लेंगे क्योंकि ये छोटे बैंगन हैं। ऐसे हमें लंबाई में काटने हैं इनको, गोल नहीं काटने। इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे। बैंगन को हमने 2 पार्ट पे कट कर लिया, इसमें हम इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे छोटे छोटे, उसको रखते जाएंगे क्योंकि हम अभी इसमें नमक थोड़ा फिल करेंगे तो नमक अंदर तक, वो मसाला जो होगा इसका अंदर तक चला जाएगा और ये बैंगन फीके नहीं रहेंगे अंदर से। देखिए इस तरह से कट लगाते जाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना, नहीं तो बैंगन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसमें हमें पीस नहीं करने बैंगन के, इस तरह से सब में कर लेंगे हम, कट लगा देंगे अच्छी तरह से। ये वेजिटेबल भी बहुत अच्छी लगती है और ये जो मैं वेजिटेबल्स सिखा रही हूँ आपको सिर्फ ऑफिस पर्पज़ या स्कूल पर्पज़ से नहीं, कभी कई बार हमारे यहाँ गेस्ट भी आ जाते हैं और हम कई बार ग्रेवी वाली सब्जी बना लेते हैं, फिर लगता है कि कोई सूखी सब्जी भी होनी चाहिए, तो उस समय आप फटाफट ये कोई भी सब्जी आपके फ्रिज में रखी हो आप बना सकते हैं, तो टेंशन नहीं रहती। 2 वेजिटेबल्स भी हम सर्व कर सकते हैं आराम से। इसमें नमक डाल देंगे। अब जो हमने कट्स लगाए थे उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम नमक डाल रहे हैं वो उसके अंदर चला जाएगा और उससे क्या फीके नहीं लगेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं,
और इसको मिक्स कर लेंगे जैसे हमने आलू को किया था। जब तक हमारा इंडक्शन पे तवा गरम हो रहा है तब तक इसमें नमक फिल करके रख देंगे ताकि नमक अंदर तक चला जाए थोड़ा सा। इसमें नमक अंदर जा चुका है, ज़्यादा देर भी नहीं रखेंगे वरना वो पानी हो जाएगा। मैं जो रेसिपी का वीडियो बनाती हूँ आप प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि उसमें कई छोटी छोटी बातें होती है जो रह जाती हैं, फिर रेसिपी वैसी नहीं बन पाती है और फिर प्रॉब्लम होती है कि हमारी रेसिपी वैसी नहीं हो चुका है। इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। बैंगन में भिंडी और आलू के अकॉर्डिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है और इसको चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे ऑयल को। स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चारों तरफ अगर स्प्रेड करेंगे तो हमारी वेजिटेबल है वो जलेंगी नहीं और अच्छी बनेंगी। गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा ध्यान से डालें कि ऑयल के छींटे नहीं पड़े आपसे, फ्लेम को कम कर देंगे। बैंगन को एक एक करके रखें। कवर कर देंगे। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे इसमें ताकि ये धीरे धीरे आराम से सिक जाए। अब हम लिड को हटा के एक बार बैंगन को दूसरी साइड पर रख देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर कई बार आप दाल चावल वगैरह बना रहे हो घर में और आपको सूखी सब्जी चाहिए तो ये बना सकते हैं उनके साथ भी। अब वापस से इसको कवर कर देंगे हम, कर लेंगे। अब बन चुके होंगे हमारे बैंगन, रेडी हैं बिल्कुल। अब हम इंडक्शन को ऑफ कर देंगे। इसका मसाला हम इस तवे के ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि इसका मसाला डालने का तरीका अलग है, वो मैं बताऊंगी आपको। पहले इसको प्लेट में रखकर सीधा करेंगे और सीधी साइड मसाला डालना है इसमें हमें। सबसे पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे, हर बैंगन पे मसाला अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। अब हल्दी पाउडर, मिर्ची, ये अमचूर पाउडर, और इसको थोड़ी देर रख दें। मसाला इसमें अपने आप ही चला जाएगा अच्छी तरह से और इसका फ्लेवर आ जाएगा। तीनों तवा वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट डे में डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।